प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब, AICC के सचिव श्रीमान धीरज जी, हमारे हाड़ोती के वरिष्ठ विधायक श्रीमान हरिमोहन जी, अशोक जी चांदना साहब, सीएल प्रेमी जी, भाई चेतन पटेल, विकास जी चौधरी, हमारे जिला अध्यक्ष नीचे है नाम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बहन राखी जी, जिला अध्यक्ष रविंदर जी, भानु जी, राजोगिया जी, यहाँ उपस्थित कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागण, मीडिया के बंधुओं, कोटा से मेरे साथ आए हुए सभी नौजवान कार्यकर्ता साथियों, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं भारतीय जनता पार्टी का 40 साल पुराना कार्यकर्ता रहा। 1984 में जब मैं हाई सेकेंडरी का विद्यार्थी होता था और विद्यार्थी राजनीति से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में आम आदमी के लिए सड़कों पर संघर्ष करते करते दो बार राजस्थान की विधानसभा तक का सफर पूरा किया। इस लंबी यात्रा में अब ये महसूस होने लगा है, अभी माननीय अशोक गहलोत साहब अपने संबोधन में कह रहे थे, देश में भय का वातावरण है। जिस प्रकार की परिस्थितियां लगातार हमारे सामने एक के बाद एक उपस्थित होती जा रही, सत्ता की ताकत के बूते आम आदमी की आवाज को दबा देना, न केवल दबा देना, कुचल देने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई। और मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, राजनीति में कार्यकर्ताओं के बीच में अपने अंदर हिम्मत रखो, हौसला रखो, लोकतंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी होती है, भय का कारण नहीं होती। और जब जब सरकारें भय का कारण बने तो जनता को, नौजवान कार्यकर्ता को हिम्मत और हौसले के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। राम मनोहर जी लोहिया ने कहा, सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और हम जब विद्यार्थी काल से राजनीति में आए थे तो एक नारा लगाते थे, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज देश उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, जोर और जुल्म राजनीति का चरित्र बन गया। और इसलिए खरीदारी के इस दौर में खुद्दार लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट जब तक नहीं होंगे, भारत की राजनीति का चेहरा मोहरा खराब हो जाएगा। आज की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की राजनीति में उपस्थित तमाम लोगों से सदस्यता के नाते अगर बात करूं तो किसी से भी जूनियर नहीं हो सकता। मैं जब राजस्थान का विधानसभा का मेंबर बन गया था, यहाँ के मुख्यमंत्री जी सरपंच की दौड़ में शामिल थे। मैं जब राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बन गया था, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंचायत समिति के मेंबर हुआ करते थे। और मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस सत्ता के बूते खुद्दारी को खरीदने का प्रयास करने वाले लोगों, बहुत सारे लोगों को रोक ज्वाइन करा के संदेश देने वाले लोगों को, भारतीय जनता पार्टी में दीवारें तोड़कर लोग आ रहे हैं, धारा में हमेशा मरी हुई मछलियां बहती है, जिंदा लोग धारा के विपरीत। आज भारतीय जनता पार्टी
क्या करती थी, वो सिद्धांत और रीति लेती, केवल प्रचार का ढकोसला मात्र रह गया। अब वो चीजें खत्म हो गई, कोटा की राजनीति में एक व्यक्ति का कब्जा हो गया, और एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति के भी परिवार का कब्जा हो गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत से जुड़ा हुआ खुद्दार कार्यकर्ता खून के आंसू बहा रहा है, वो केवल इस बात का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहा कि हम अपनी विचारधारा को त्याग कर इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन मैं उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैं उस सत्ता के मुद्दे अपनी ताकत का प्रभाव और प्रकोप भारत की जनता को दिखाने वाले के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे वहां भेजकर जिल्लत देने का प्रयास किया, तब भी मेरे कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू बहाए। आज जिस प्रकार का माहौल शहर में बन गया, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने शुरुआत की है इसको धारा के विपरीत, अंतक और अत्याचार के विपरीत खड़े हो जाओ। आज मेरे साथ रात को ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आपकी ज्वाइनिंग को परमिशन दे दी है, आप आ जाइए। 100 गाड़ियों से भरकर कार्यकर्ता आया है, रेड लाइटों में इधर उधर हो गया हूं, तो चक्कर में तो माननीय विधायक हमारे साथ साथ चल रहे थे। ये चलचला रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा, और मेरा विश्वास है इस कोटा हाड़ौती की राजनीति में संगठन का काम करते करते जो बीजेपी का चेहरा है, 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़कर मैंने उसके चेहरे गोरे को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा गोरा बनाया है। उसकी आत्मा आज मेरे निर्णय के साथ खड़ी है, मैं गारंटी से साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में इस बात का एहसास पूरे राजस्थान की जनता को हो जाएगा। मैं तो आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय गहलोत साहब का, माननीय डोटासरा जी का, माननीय सचिन जी का, और चांदना जी लगातार पिछले 1.5 महीने से मेरे संपर्क में थे, सारे के सारे माननीय हरिमोहन जी और सब लोग धीरज जी भी 2-3 दिन से लगातार संपर्क में थे, मैं इन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस का जो हाड़ौती का मौजूदा नेतृत्व है, इनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा, और इनके साथ मिलकर कंधे से कंधा जोड़कर पूरी ताकत से मैं कांग्रेस के काम को ताकत और मजबूती देने का प्रयास करूंगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, हम सब मिलकर आज प्रतिपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है, हम सब मिलकर विरोध की आवाज को, न केवल विरोध की आवाज केवल राजनीति का आवाज नहीं होती, सत्ता के दमन से त्रस्त जनता की आवाज होती है। हम विरोध के नाते जनता की त्रस्त आवाज को ताकत देने का काम करेंगे। मैं आज की इस अवसर पर केवल इतना सा ही निवेदन करूंगा, माननीय गहलोत साहब, कृपा की डोटासरा जी, साथ साथ विधायक आप सब लोगों ने मेरे मन के भटकाव को, आत्मा के विद्रोह को, जुर्म और हत्या, किसी नेता के भाइयों का गुलाम बनने के लिए राजनीति में नहीं आया, मैं किसी नेता की दरी पट्टी बिछाने के लिए राजनीति में नहीं आया, मैं सिद्धांतों से प्रेरित होकर जीवन मूल्य और संस्कारों से अपने आप को जोड़कर इस राजनीति के मैदान में आया हूँ। कोटा की राजनीति का चेहरा गोरा एक व्यक्ति की गुलामी और उसकी दरी पट्टी उठाने तक सीमित हो गया है, और आज जब से 3 दिन से लगातार कांग्रेस में मेरे आने की चर्चाएं चल रही है, हजारों टेलीफोन प्रहलाद गुंजन, तुमने अत्याचार के खिलाफ लड़ने का साहस किया है, तुम आगे बढ़ो अत्याचार के साथ। मैं इतना आश्वस्त करता हूं, जितनी मेरी संकल्प क्षमता है, जितना मैंने राजनीति में काम को सीखा है, मैं पूरी ताकत और जिम्मेदारी से हाड़ौती में कांग्रेस को ताकत देने के लिए पूरी ऊर्जा
कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के साथ मिलकर लगाऊंगा। आज यहाँ पर माननीय धारीवाल जी मौजूद नहीं है, गरीब नेता है, कोटा के लिए उनका बड़ा योगदान है। यहाँ सारे विधायक हैं, सारे प्रत्याशी हैं, इन सब लोगों को, इनके विचार को, इनकी बात को सुनकर समझकर एक सहयोगी के नाते हम सब एक टीम वर्क के नाते काम करेंगे। मैं इतना ही विश्वास आपको देते हुए मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैंने कहा है जब राजनीति में सिद्धांत और पार्टी गौण हो जाती है और व्यक्ति के महिमा मंडन का सिलसिला चल पड़ता है तो विचारधारा, जीवन मूल्य, संस्कार, रीति नीति, सिद्धांत केवल मीडिया का प्रोपेगंडा रह जाता है। और आज केवल और केवल कोटा हाड़ौती की भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा पूरा बचा है। मैं पिछले लंबे समय से रीति नीति सिद्धांत को जीते हुए इस वैचारिक प्रोपेगंडे का दमन का शिकार हो रहा था, निर्णय कर लिया है, कांग्रेस में आ गया हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे लोग, नाम तो किसका लूंगा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य ब्रजेश शर्मा नीटू आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुरलीधर लोधा यहाँ है, मंडल अध्यक्ष किशन प्रजापति सत्तू लोधा, पंकज साहू यहाँ है, हमारे पार्षद बलविंदर सिंह, नवन सिंह काड़ा, विकास तंवर, वरिष्ठ नेता दीपक चौधरी, संदीप प्रजापति, पार्षद मोहम्मद सैनी, राजेंद्र केवट, योगेंद्र टोनी, मनीष गुजर, युवा मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष कौमी, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश सफेला, पार्षद बीरबल लोधा, घनश्याम कुमावत, जतिन लोधा जो पार्षद के कैंडिडेट रहे, बहुत सारे लोग, मैं कईयों के नाम भूल जाऊं, चूंकि अभी अभी कहा है कि प्रमुख लोगों के नाम तो मैं बता दूं। मेरे साथ आप सब लोग अब कांग्रेस परिवार का हिस्सा है। आज जितने भी लोग हैं एक बार ताली बजाकर इस बात का समर्थन करते हैं। रात के 10 बजे भी इस बात को कंफर्म कर दीजिए कि कल शाम को 6 बजे कोटा में सदस्यता दिलाएंगे तो इस परिवार में कम से कम 2 से 4 हजार लोग 10 घंटे की सूचना पर आपको इस परिवार की बढ़ाएंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, जनता की आवाज बनकर हम लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्तिवाद राजनीति में हावी हो गया है और बीजेपी में तो कुछ बचा ही नहीं आरोपी में, कौन दो भाई साहब है, छोटा भाई साहब और बड़ा भाई साहब, पहले वो भाई साहबों के पैर छुओ तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। लाल गुंजल किसी के छोटे बड़े भाई के सामने नहीं, अपने से, अपने स्वार्थ और सदस्यता के लिए नहीं, आदर सम्मान के लिए तो गहलोत जी बड़े हैं तो मैं आशीर्वाद ले सकता हूं, लेकिन कोई इस भाव से कि गुलामी की मानसिकता से हमारे सामने नतमस्तक हो कोई बीजेपी में जिंदा रहेगा, ये कभी जीवन में संभव नहीं हो सकता। और इस सारी चीज से त्रस्त होकर एक तरफ खुददारी और एक तरफ खरीददारी, खरीददारी में कितनी दम है कि खुददारी को अपना रास्ता बदलना पड़ा। मीडिया के लोग हैं, जनता है, इस चुनाव में जवाब देगी, मुझे इतना ही कह